Good morning, student. So, how are you? I think you will be fine. So, take care, all of you. Okay? Because this is Corona time. I know, मैं आपको ये रोज ये वन सेंटेंस बोलती हूँ तो आपको कैसा लगता होगा, बट सीरियसली ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज ये बहुत केसेस बढ़ते जा रहे हैं रोज के. वो तो डेली के केसेस कितने सारे होते हैं, 2300, 2400 ऐसे मतलब केसेस आ रहे हैं. सो आपको केयर करना पड़ेगा, स्पेशली योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, योर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, है ना. बिकॉज ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर इज दे आर ओल्ड एंड यंगर ब्रदर वो छोटे भाई बहन हैं आपके. सो उनका आपका मतलब ध्यान रखना अच्छा मतलब करना चाहिए. सो टेक केयर ऑल ऑफ यू. सो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम आई विल स्टार्टेड योर क्लास. सो सोशल साइंस स्टैंडर्ड 6 हम पढ़ रहे थे यूनिटी इन डिवर्सिटी. ठीक है, अभी हमारा इसका लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है. यूनिट 14 यूनिटी इन डिवर्सिटी पेज नंबर 90. सो स्टार्ट करते हैं 14 एंड यूनिटी इन डिवर्सिटी. मतलब जैसे हमने देखा कि हमारे कैसे हमारा देश अलग है बाकी देशों से, कैसे अलग है यहाँ की सभ्यता कल्चर, मतलब यहाँ का हर चीज़, यहाँ के धर्म, यहाँ पे हर चीज़ों का अच्छे से वो किया जाता है, यहाँ पे कितने सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, अलग अलग कल्चरल अलग अलग रिलीजन के धर्म के अलग अलग भाषाएं, अलग अलग फेस्टिवल हैं, सबको सब चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए पूरी आज़ादी है, मतलब पूरा वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं. सो आपने ये सब हमारे देश की सारी हम ये हमारे देश में ही हो सकता है ऐसा यहाँ पे सब बताया गया है. अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे कि दिवाली हुई, होली हुआ, दशहरा हुआ, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, मतलब हर चीज़ की आज़ादी, आप हर चीज़ अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये क्या होता है कि यूनिटी इन डिवर्सिटी मतलब हमारे एकता में भी विविधता है, हम एक हैं फिर भी विविध तरह से रह सकते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया कि एक अनोखा कल्चर है हमारे देश का, बाकी दुनिया से अलग है, जो कि यहाँ पे सब लैंग्वेजेस हैं, कास्ट हैं, यहाँ पे सब एक दूसरे के प्रति लव है, हॉनर है सबके लिए, मतलब ट्रूली सब एक दूसरे के लिए हैं ऐसा सब कहा गया है इसमें. यहाँ की जो इकोनॉमिक्स है, सोशल इंडस्ट्रीज हैं, फील्ड हैं, सब आप मतलब देख चुके हैं. तो हम आज का लेक्चर जो है वो अलग थोड़ा मतलब दूसरे से स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे देश के बारे में, हमारे इस कंट्री के बारे में क्या बताया गया है. ठीक है, सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. डिफरेंट कास्ट रिलीजन कस्टम्स कल्चरल लैंग्वेज ETC मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि डिफरेंट कास्ट है और यहाँ का धर्म है, कॉस्ट्यूम्स हैं, मतलब पोशाक, अपना कल्चरल है, लैंग्वेज है ETC, मतलब सारी चीज़ें अलग हैं, सब चीज़ों के बारे में बताया गया है. ठीक है, आर इनग्रेडेड इन इंडिया मतलब ये हमारे भारत की सब उसमें मिक्स है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि ये कैसा एकीकृत इंडिया है, मतलब यहाँ पे कुछ भेदभाव नहीं है. ठीक है, सिंस इंडिया हैज़ अ डिवर्स कल्चर इट हैज़ बीन एबल टू क्रिएट अ वैरायटी इन कल्चर मतलब यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि हमारे भारत का जो कल्चर है ना वो है ना बहुत अच्छा है, ये एक वैरायटी कल्चर है. तो मतलब ये टोटल मिला के ये हुआ, कहने का मीनिंग ये है कि मतलब हमारे जो इंडियंस हैं यहाँ पे हर तरह के कल्चर रहते हैं, यहाँ पे सब सेलिब्रेट करने का, सब चीज़ अच्छे से रहने का पूरी तरह से आज़ादी है. ठीक है, इंडिया हैज़ फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली. मतलब हमारे जो इंडियंस हैं वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि ये संस्कृत वर्ड है, तो इसका मतलब हुआ कि द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, मतलब कि हमारी जो पूरी दुनिया है वो हमारा फैमिली है, परिवार है. और हिंदी में मतलब ये हुआ, इंग्लिश में संस्कृत में इसका मीनिंग ये मतलब ये है कि वसुधैव कुटुंबकम इंग्लिश में है द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, और हिंदी में इसका मतलब है वो पूरी दुनिया हमारी हमारा परिवार है. ठीक है, ऐसा हम इंडियन सोचते हैं. इंडिया इज़ अ ट्रू सेंस स्पिरिट्स ऑफ फीलिंग ऑफ रिलीजन टॉलरेंस एंड इक्वालिटी इन द वर्ल्ड.
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी जो इंडिया भारत है उसका है ना जो सेंस है वो बहुत अच्छा है, मतलब फीलिंग्स है सबके लिए, सारे धर्म इसके लिए, सहनशीलता और इक्वालिटी भी है, मतलब कि एकता भी है हमारे इंडिया में, दुनिया किस करता हमारे इंडियंस में इतने ज़्यादा चीज़ें हैं कि मतलब सहनशीलता भी है, ट्रू लव्स भी है, ठीक है। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, मतलब हमारा देश है ना जैविक, सेक्युलर का मतलब जैविक भी होता है एंड बहुत सारे मीनिंग्स हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी लगा बोल सकते हो कि ऐहिक है, जैविक है या फिर धर्मनिरपेक्ष है, मतलब हमारी ऐसी इंडिया हमारी कंट्री है। यूनिटी इन डिवर्सिटी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, हमारे मतलब एकता में विविधता हमारे इंडियंस के लिए एक अलग सा ही फीचर क्रिएट करता है, हमारे कल्चर के लिए, हमारे देश के कल्चर के लिए। इन आवर कंट्री वी सी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रिलीजन्स, कास्ट, लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल, मतलब हम अपने देश के अंदर है ना किसने कितने चीज सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखते हैं, जैसे कि रिलीजन, धर्म का, कास्ट का, मतलब जाति का, भाषा का और त्योहारों का, ठीक है। हम इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे अपने देश में ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कितने सारे कॉम्बिनेशंस हैं, किस चीज़ का, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। पीपल ऑफ इंडिया लीव ऑफ को एक्सटेंस एक्सटेंस इंडियन सॉरी तो लोग है ना, तो यहाँ के लोग है ना मतलब बहुत सहने सहनशील तक होते हैं, या फिर आप है ना उनका सहसात्विक बोलते हैं, साथ साथ मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाले भी होते हैं, ऐसा सहसात्विक होता है इसका मीनिंग। इंडियन पीपल हैव डेवलप्ड एंड नर्चर्ड दिस यूनिक डिवर्सिटी, मतलब कि इंडिया के जो लोग होते हैं, इंडियन पीपल होते हैं, भारतीय लोग जो होते हैं वो है ना डेवलपर होते हैं और कंसिडर्ड होते हैं कि इस यूनिक विविधता में, ठीक है। तो इफर्ट्स फॉर डिवर्सिटी एंड इक्वालिटी, अब है ना एकता में विविधता और इक्वालिटी, मतलब दोनों चीज़ों का यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कैसे असर करता है, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ डिवर्सिटीज़ आर सीन इन आवर कंट्री, हमारे मतलब ऐसे चीज़ें हैं ना ये हमारे भारत में देखने को, बहुत सारी जो डिवर्सिटी मतलब हमारी कंट्री में देखने को मिलती है, एकता में विविधता बहुत सारी देखने को मिलती है। डिस्क्रिमिनेशन इज अ सीन ड्यू टू दीज डिवर्सिटीज़, मतलब भेदभाव तो हमारी कंट्री में है ही नहीं, ऐसा भी देखने को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर, मेल फीमेल, लिटरेट इलिटरेट, अर्बन रूरल एंड कास्ट एंड आर सीन इन आवर कंट्री, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि या हमारे देश में भेदभाव किस बेस पे होता है, मतलब रिच पुअर, गरीब अमीर, मेल फीमेल, मतलब औरत और आदमी, मर्द और औरत ऐसा कह सकते हैं आप, या फिर मेल फीमेल ये ज़्यादा अच्छा और सुटेबल वर्ड्स है, और इस साक्षर और निरक्षर, शहरी और ग्रामीण, और कास्ट, ये सब हमारी मतलब भेदभाव में ऐसा नहीं देख सकते आपकी ऐसा है कुछ, मतलब ठीक है। और फिर इन द एंशिएंट टाइम, मतलब हम प्राचीन समय में सोशल स्ट्रक्चर वाज ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ना सिस्टम, मतलब हमारे जो प्राचीन समय में जो सोशल संरचना होती थी वो किस कैसी होती थी, वो व्यावसायिक होती थी, वर्ना सिस्टम के आधार पे, कोई वर्ना सिस्टम होता था पहले के ज़माने में, उसके बेस पे ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती थी, ठीक है। तो ऐसा मतलब बोल रहे हैं, तो ड्यू टू दिस मैनी ग्रुप्स रिमाइंड बैकवर्ड सोशल एंड इकोनॉमिकल, मतलब कि पहले के है ना ऐसा कैसा था कि पहले के जो ग्रुप होते थे उसमें क्या सोशल और इकोनॉमिकल दोनों चीज़ें मिक्स करके बताते थे कि ऐसा सोशल है और ऐसा इकोनॉमिकल है, मतलब सामाजिक और अर्थतांत्रिक दोनों संरचनाएं मिक्स होती थी, ऐसा कह रहे हैं। हैंस डिफरेंस बेस्ड ऑन कास्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ये डिफरेंसेस आ गए ना तो उसमें कास्ट में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस हो गई, और मोस्ट ऑफ द लिटरेट पीपल अर्न मोर सो देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज़ हाई, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि जो साक्षर पीपल होते हैं, जो मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ज़्यादा अर्न करते हैं, तो उनके है ना स्टैंडर्ड जो होता है, रहने का स्टैंडर्ड, मतलब रहने का तरीका आप ऐसा बोल सकते हैं, तो उनका हाई होता है, मतलब हर चीज़ हाई लेवल की चीज़ें होती हैं, चीज़ें रखना है, ऐसा मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि अब जैसे आप है ना देख सकते हैं अनिल अंबानी हुए और टाटा बिरला हुए, मतलब ये सब का अडानी हुए, इन सब का देखो हाई लेवल की मतलब रहती है कि लिविंग लाइफ कि कैसे जीते हैं, ठीक है। दे मेंटेन
रेपुटेड स्टेटस इन द सोसाइटी, मतलब वो अपनी है ना सोसाइटी में अपने को रेपुटेड मतलब बहुत अच्छे उसमें हाई क्लास में गिनते हैं कि हम तो हाई क्लास के पीपल हैं लोग, भाई हम क्यों कैसे चले, पैदल चलना मतलब उनको है ना एक रूम से दूसरे रूम में जाना हो तब भी वो गाड़ी का यूज़ करेंगे, ऐसा समझ लो। मतलब ऐसे हाई क्लास लोग मतलब अभी सब होने लगे हैं, ठीक है। डिफरेंस बेस्ड ऑन लिटरेट एंड इलिटरेट कैन ऑल्सो बी सीन, मतलब यहाँ पे साक्षर और निरक्षर मतलब पढ़े और अनपढ़ और पढ़े लिखे लोगों में ऐसा यही डिफरेंस होता है कि मतलब ये कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उनका सोसाइटी में नाम होता है, रेप्यूटेड पर्सन में नाम आता है, और जो नहीं होते हैं उनका ऐसा ही होता है, निरक्षर है, इनको तो कुछ आता नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन रूरल एरिया, मतलब इंडिया के बहुत सारे लोग हैं ना ग्रामीण शहरों में, ग्रामीण एरिया में रहते हैं, गांव एरिया में रहते हैं, ठीक है। अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस एज कंपेयर्ड टू रूरल पीपल, यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब ग्रामीण करता शहरी ग्रामीण करता शहरी लोग काफी कम है, ऐसा मतलब ये कह रहे हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज मैं आपको बस यहीं तक पढ़ाऊँगी, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा और आई थिंक इट्स वेरी हार्ड। सो आज के लिए इतना ही, कल बाकी का जो अपना बचा है इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।